नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां नहाए खाए के साथ चार दिवसीय आस्था और उपासना के महापर्व छठ की शुरुआत आज से हो गई है। वहीं ऐसे में छठ घाटों पर पूजा की तैयारियों को लेकर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक और नगर आयुक्त कलेक्ट्रेट ने छठ घाटों का पैदल निरीक्षण किया है। साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। वही जिला प्रशासन की तरफ से छठ घाट की तैयारियों में भी तेजी कर दी गई है। जनार्दन घाट से लेकर कंकन घाट तक मौजूद सभी घाटों पर बस से घेराबंदी कर दी गई है। घाटों पर पहुंचने वाले रास्तों को भी सुगम बनाया जा रहा है। जिन घाटों पर पैदल पथ का रास्ता ठीक नहीं है, वहां पर जेसीबी मशीन के माध्यम से रास्ता बनाया गया है। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये छठ घाटों का गंगा नदी के किनारे जो है बहुत बड़ी संख्या में भीड़ होती है छठ व्रतियों की, तो उसके लिए लगातार निरीक्षण हो रहा है। और आज हम लोग मुख्य रूप से आवागमन के लिए जो संपर्क पथ हैं, गाड़ियों से जो लोग आएंगे और पार्किंग स्थल सभी घाट पर कहाँ कहाँ रहेगा उसका निरीक्षण कर रहे हैं। बाकी घाट की तैयारी हो चुकी है, बैरिकेडिंग हो गई है, वॉच टावर, लाइट टावर सब चीज़ बन गए हैं, यात्री सेट, प्रशासनिक नियंत्रण कक्ष, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, इस सबका इंतजाम किया जा रहा है। और हमारा मेडिकल टीम रहेगी, उसके लिए भी इंतजाम किया जा रहा है। आज मुख्य रूप से हम लोग सभी संपर्क पथ और सभी घाटों पर पार्किंग की व्यवस्था जो गाड़ियों के लिए की गई है, चाहे दो चक्का, तीन चक्का या चार चक्का गाड़ियों से जो लोग आते हैं, बहुत लोग ट्रैक्टर वगैरह से भी आते हैं, तो सबके लिए पार्किंग पर्याप्त हो। और इस बार चूंकि घाट बड़े बड़े निकले हैं, जलस्तर कम है गंगा का, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि घाट के आसपास ही पार्किंग रहे, कम से कम पैदल चलना पड़े लोगों को। बाढ़ में कुछ महीने पहले ही करीब आधुनिक साधन युक्त पांच थानों का शुभारंभ बड़ी धूमधाम से किया गया था, लेकिन अब उन्हीं थानों से हैरान कर देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। जहां हाथीदह थाने में जनता की सुरक्षा करने के लिए मौजूद पुलिसकर्मी खुद अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पुलिसकर्मियों के मुताबिक उन्हें शौच और स्नान करने के लिए गंगा नदी में जाना पड़ता है। पानी पीने को लेकर कहीं कहीं से व्यवस्था की जाती है। वही तस्वीर में साफ देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी नंगे तार के द्वारा टूटे फूटे का इस्तेमाल करके खाना बनाने को मजबूर है, जिस पर किसी भी आला अधिकारी की नजर तक नहीं पड़ रही है। आम जनता को सुरक्षा मुहैया करने वाले पुलिस का अत्याधुनिक थाना ही जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। हालांकि बड़ा सवाल बिजली विभाग पर भी खड़ा होता है, जहां थाना बनने के बाद बिजली की कोई व्यवस्था तक नहीं की गई है। वही सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा जनता को कितनी सुरक्षा कर सकती है, अब ये सवाल भी बड़ा है। नहाए खाए के साथ आज पूरे नालंदा जिले में लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व की शुरुआत हो गई है। अहले सुबह मोरा तालाब बिहार शरीफ मुख्यालय के सोह सराय समेत कई छठ घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखी गई है। वहीं छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को जल अर्पित कर नहाए खाए के साथ चार दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत की। वही छठ व्रतियों की सहूलियत को देखते हुए लगातार छठ घाटों की भी साफ सफाई की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, जिसको लेकर छठ घाटों में बाद से बैरिकेटिंग का भी इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही गंदगी को देखते हुए ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया गया है। ये सोसराय सूरज मंदिर है और यहाँ आज नहा खा होगा और कल लोहांडा होगा और परसों पहली अरब होगा, सोमवार के दिन पढ़ना, मतलब कि ये छठ का प्रक्रिया। बाढ़ अनुमंडल में लोक आस्था का महापर्व छठ के मौके पर नहाए खाए के साथ चार दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो गया है। संतान की प्राप्ति, सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और आरोग्य की कामना के लिए भगवान सूर्य की पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। इस दौरान बाढ़ के गंगा घाटों पर भारी भीड़ दिखाई दी है। वही व्रतियों ने गंगा स्नान कर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की है। वही दूसरी तरफ बाजारों में भी पर्व को लेकर खरीदारों की काफी भीड़ देखने को मिली। साथ ही कई गंगा घाटों की साफ सफाई का अभियान भी लगातार जारी है। अगली खबर नालंदा से है, जहां युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए तेल्हाड़ा में त्रिपोलिया गोयल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसका फाइनल मैच गुरुवार को खेला गया है। उस मैच को देखने के लिए नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार और इस्लामपुर के राजद विधायक राकेश रोशन भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये फाइनल मैच में सर्वोदय क्लब बढ़नी और फुटबॉल क्लब बाढ़ के बीच खेला गया है, जिसमें सर्वोदय क्लब बढ़नी की टीम विजय हुई है।
बाढ़ में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बेलची थाना क्षेत्र अंतर्गत पुल पर अनियंत्रित डंपर ने दो बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी और जोरदार टक्कर में बाइक सवार युवक रोहित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई है। वह दूसरा घायल सौरभ कुमार को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज लगातार जारी है। दोनों युवक नालंदा जिले के बीद थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं। बाढ़ के अलकनाथ रोड में ब्रेविन फार्मास्यूटिकल जय बाबा, ब्रह्मा कंस्ट्रक्शन और ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर मोहन मुरारी उर्फ गोपाल जी और कुंदन सिंह के छठवर्ती के बीच 500 सूप और नारियल का वितरण किया गया है। इस मौके पर नगर अध्यक्ष संजय कुमार, नगर उपाध्यक्ष प्रतिनिधि रवि शंकर, विद्यार्थी वार्ड पार्षद परमानंद सिंह और राजद नेता कुंदन सिंह के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सैकड़ों छठवर्ती के बीच नारियल और सूप का वितरण किया गया और बाढ़ में बीते कई सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से गरीब छठवर्तियों को काफी मदद भी मिल जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।